नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आसपास के जिलों में हो रही बारिश ने विदिशा में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। जिले की जीवनदायिनी बेतवा नदी उफान पर है और इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बेतवा नदी किनारे स्थित गांव को अलर्ट कर दिया गया है। ऐतिहासिक चरण तीर्थ के शिव मंदिर के चारों ओर पानी है और वहां जाने के दोनों पुल पर भी लगभग 5 फीट पानी भरा हुआ है। विदिशा, अशोकनगर और जिले की अन्य तहसीलों को जोड़ने वाला पुराना पुल भी जलमग्न हो चुका है और उस पर लगभग 3 फीट पानी है। पुल पर बाढ़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मी तैनात हैं। नदी विदिशा से भाटनी होता हुआ अहमदपुर जाता है, गढ़ी गैरतगंज से सिलवानी बेगमगंज और सागर निकल जाते हैं, उसी रूट से नरसिंहपुर जिला भी निकल जाते हैं। कौन सी नदी है ये? नेवन। अच्छा, ये रात के 12-2 बजे करीब में चढ़ी है। कितने फीट ऊपर जा रहा पानी? ये नदी में ब्रिज के ऊपर तो करीब 10 से 15 फीट बाढ़ का पानी है सर। अच्छा, अचानक पानी आ गया, ऊपर बारिश हो गई। हाँ। ये कोई सचेत थे नहीं, रात में पानी आया तो गांव में घुस गया। बच्चों को कैसे लाया तो सर? खटिया फैला रख के। और भी बच्चे हैं क्या? अभी और भी हैं वहाँ पे, 4 बच्चों को ला सकते हैं, इससे ज़्यादा तो ला नहीं पाते। मैं अभी अहमदपुर जा रहा था। हाँ। यूको बैंक के लिए। हाँ। लेकिन अब रास्ता बंद है, चूँकि जाना कैंसिल करना पड़ेगा। ये बता रहे गाँव वाले के 2 दिन से खुलना नहीं है अभी। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।